उत्तराखंड के सीएम तीरथ सिंह रावत का जाना तय हो गया है। सूत्रों के मुताबिक रावत को इस बारे में बता दिया गया है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ विकास भदौरिया हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। विकास जी अखिलेश, देखिए इस वक्त की जो बड़ी खबर है वो उत्तराखंड से है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत को जाना होगा, उनको ये बात पार्टी के नेतृत्व ने पार्टी के डिसीजन को बता दिया है। जल्द ही वो अपना इस्तीफा दे देंगे और इसके लिए विधायक दल की बैठक बुलाई जाएगी ताकि नए नेता का चुनाव किया जा सके। संवैधानिक संकट था जो उसकी वजह से तीरथ सिंह रावत को इस्तीफा देना पड़ेगा। मैं आपको बता दूं कि दो दिक्कतें थी, जो एक दिक्कत थी वो ये थी कि आखिरी एक साल में उपचुनाव नहीं हो सकता, जो पीपल रिप्रेजेंटेटिव एक्ट है जनप्रतिनिधि कानून की धारा 151A के तहत, और इसलिए अब तीरथ सिंह रावत चूंकि सांसद हैं पौड़ी सीट से, उनको 6 महीने के भीतर विधायक चुना जाना था लेकिन ये संभव नहीं था। 10 सितंबर को उनका कार्यकाल खत्म हो रहा था 6 महीने का। ऐसी सूरत में पार्टी के सामने एक बड़ा संवैधानिक संकट था। तीरथ सिंह रावत को अब इस्तीफा देना होगा। जल्द ही नए नेता के चुनाव के लिए विधायक दल की बैठक बुलाई जाएगी और अब जो विधायक होगा ना जाएगा विधायक दल का, यानी कि उत्तराखंड का जो अगला मुख्यमंत्री होगा एक सवाल है तो मैसे ही होगा जी। विकास एक सवाल है कि सिर्फ ये संवैधानिक संकट वजह है या चुनाव में इनके नेतृत्व में बीजेपी नहीं जाना चाहती है, क्योंकि अमूमन बीजेपी में ऐसा होता नहीं है कि किसी राज्य में इतने कम वक्त में 2 CM बदल दिए जाएं। देखिए बिल्कुल ये संवैधानिक संकट की स्थिति थी, यहाँ पर कोई दूसरा उपचार बचा नहीं था। एक रास्ता ये था कि वे आज इस्तीफा देते और कल फिर से उनको मुख्यमंत्री चुन लिया जाता या उसको शपथ दिला दी जाती और ऐसे में जो 6 महीने के भीतर का जो शर्त थी वो हट सकती थी। लेकिन इसके आड़े 1995 में पंजाब में हुई एक घटनाक्रम और उसके बाद 2001 में सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आ रहा था जिसमें इस तरह से आज इस्तीफा करा के अगले दिन ओथ कराने के नियम को गैरकानूनी और गैर संवैधानिक सुप्रीम कोर्ट ने घोषित कर दिया था। तो ये भी संभव नहीं था और चुनाव की स्थिति बन नहीं रही थी वहां पर जो जनप्रतिनिधि कानून की धारा है, इसलिए ये तय किया गया कि अब जो अगला मुख्यमंत्री होगा वो भी विधायकों में से होगा, तीरथ सिंह को इस्तीफा देना होगा और साथ ही साथ चुनाव में सामूहिक नेतृत्व में ही पार्टी जाएगी। चलिए मैं सुभाष कश्यप जी का अवलोकन करना चाहूंगा। विकास आपके पास दोबारा लौटूंगा, हमारे साथ जुड़े रहिएगा। सुभाष कश्यप आप संविधान के ज्ञाता हैं, संवैधानिक विशेषज्ञ हैं। सुभाष कश्यप जी, क्या उत्तराखंड में वाकई में संवैधानिक संकट जैसे हालात बन जाते? संवैधानिक संकट तो कोई नहीं है, 3 बातें हैं। एक बात तो ये है कि कोई भी वैकेंसी अगर होती है तो 6 महीने के अंदर उसको भरने के लिए चुनाव होने चाहिए। दूसरी बात यह है कि अगर कोई मेंबर नहीं है और उसको मंत्री बनाया जाता है या मुख्यमंत्री बनाया जाता है तो 6 महीने के अंदर उसे निर्वाचित होकर आ जाना चाहिए, और अगर नहीं आता है तो उसकी मिनिस्ट्री या चीफ मिनिस्ट्री समाप्त हो जाएगी, 6 महीने पूरे होते ही ऑटोमेटिकली समाप्त हो जाएगी, इस्तीफा देने की भी जरूरत नहीं है। वो ही शैल सीज टू बी मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर। तीसरी बात यह है कि आम चुनाव जो हैं वो डिसोल्यूशन की जो डेट है, जो समाप्ति की डेट है, 5 साल जब पूरे हो रहे हैं उससे 6 महीने से पहले कभी भी चुनाव कराए जा सकते हैं जी। जो लास्ट 6 मंथ्स हैं उनमें आम चुनाव विधानसभा के लिए कभी भी कराए जा सकते हैं, तो एक ये विकल्प भी उपलब्ध था जी। 6 महीने पहले बाकी ये तो संवैधानिक कानूनी प्रावधान है, 3 बिंदु बताए मैंने जी जी, और इसके अलावा तो राजनीतिक निर्णय होगा। मतलब आप जी सुभाष कश्यप जी, क्या इसका मतलब एक हम ये निकाल सकते हैं कि अपने पद पर तीरथ सिंह रावत चाहते तो बने रह सकते थे मुख्यमंत्री के पद पर? ये तो राजनीति के क्षेत्र में है, मैंने बताया 6 महीने पहले आम चुनाव कराए जा सकते थे और सदन को भी जहाँ तक संविधान का सवाल है इस सदन को डिसॉल्व करने की भी जरूरत नहीं थी। अच्छा, मतलब उस स्तर पर कोई दिक्कत नहीं आती,
मतलब एक राजनीतिक फैसले के तौर पर हम इसे देखें। राजनीतिक निर्णय है वो अलग बात है जी। सुभाष जी मैं चाहूंगा आप हमारे साथ जुड़े रहें, हमारे साथ विकास भदौरिया भी हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। विकास, संवैधानिक संकट वाला जो एक पेंच सामने आ रहा है, इस पर सुभाष कश्यप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका ये मानना है कि ऐसा नहीं है, ये राजनीतिक वजह हो सकती है, अपने पद पर रह सकते थे तीरथ सिंह रावत। बिल्कुल, मैं अखिलेश जी मैं सुभाष कश्यप जी से वही सवाल पूछना चाहता हूँ कि जो निर्णय हुआ है वो ये हुआ कि अगर हमें इस कार्यकाल, इस विधानसभा का पूरा कंज्यूम करना है, पूरे कार्यकाल तक अगर रखना है मुख्यमंत्री को, तो क्या ऐसी सूरत में ये बाइंडिंग नहीं थी कि 6 महीने के भीतर वो चुन के आए और उसके बाद कंटिन्यू रहे, उसके बाद वे कंटिन्यू रह सकते थे क्या? सुभाष जी, सुभाष कश्यप जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। 6 महीने के बाद मुख्यमंत्री नहीं रह सकते थे वो, लेकिन उस 6 महीने के अंदर अगर आम चुनाव होते जी हो सकते हैं, 6 महीने के अंदर अगर आम चुनाव करती जाती विधानसभा तो वो रह सकते थे जी। आपकी आवाज में कुछ थोड़ी दिक्कत आ रही है सर, मैं दोबारा कोशिश करूंगा कि हम आपसे बात कर पाए, कुछ ऑडियो में दिक्कत है शायद। विकास भदौरिया हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हमारे सहयोगी। विकास, लेकिन इन सब घटनाक्रम के बीच में एक बड़ी खबर यह भी आ रही है कि कुछ मंत्रियों को भी दिल्ली तलब किया गया है, क्या अंदर खाने कुछ और पक रहा था क्या? क्या एक इसका अर्थ हम भी निकाल सकते हैं, आगे क्या होने जा रहा है? ये देखिए, निश्चित रूप से जो तमाम लोग, जो विधायक, विधायक दल की बैठक होनी है, विधायक दल के कुछ नए नेता का चुनाव होना है, जाहिर तौर पर ऐसे में पार्टी सलाह मशवरा करेगी और अगला नेता कौन होगा विधायक दल का, कौन मुख्यमंत्री बनेगा, इसको लेकर पार्टी तमाम स्तर पर बातचीत कर रही है। और इसलिए हमने देखा कुछ दिन पहले धन सिंह रावत भी दिल्ली में थे, पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत भी दिल्ली में ही थे, और अब कुछ और अगले दो दिन में, एक दो दिन में हो सकता है कि पार्टी इस परामर्श की प्रक्रिया को और आगे बढ़ाए, तमाम नेताओं से बातचीत हो ताकि किसी एक नाम पर का चयन आला कमान कर सके और उसके बाद विधायक दल में उसका चुनाव किया जा सके। तो इस प्रक्रिया के तहत ही ये पूरा परामर्श चल रहा था। लेकिन मैं आपको वापस सुभाष कश्यप जी के बिंदु पर ले जाना चाहता हूँ। सुभाष कश्यप जी जो बात कह रहे थे अखिलेश, वो ये कह रहे थे कि ये जरूरी नहीं था कि उनको इस्तीफा दिला दिया जाता, लेकिन 6 महीने जब उनके खत्म हो रहे थे उसी के साथ अगर चुनावों की घोषणा हो जाती तो वे अपने पद पर बने रह सकते थे, क्योंकि राज्यपाल उनको चुनाव होने तक पद पर बने रहने दे सकता है। लेकिन अगर समय पर चुनाव होंगे तो ऐसी सूरत में वे बिना चुनकर आए हुए मुख्यमंत्री पद पर बने नहीं रह सकते थे। चलिए विकास, आपके पास में दोबारा लौटूंगा। बड़ी खबर है, अपने दर्शकों को एक बार फिर से बता दें, तीरथ सिंह रावत को जाना होगा यह तय माना जा रहा है। ये एक बड़ी जानकारी सूत्रों के हवाले से निकलकर सामने आ रही है, यानी कुछ ही समय के भीतर उत्तराखंड में 2 सीएम अब बदलने जा रहे हैं। अब ऐसे में एक बड़ा सवाल यह भी खड़ा हो गया है कि आगे फिर कौन सीएम होगा, किन संभावनाओं को लेकर विकास बातचीत की जा रही है, कुछ ये भी जानकारी मिल पा रही है क्या कि अगला मुख्यमंत्री अब कौन हो सकता है? जी बिल्कुल, देखिए उत्तराखंड का जो अगला मुख्यमंत्री होगा उसको वो विधायकों में से ही होगा। जैसा कि आपको पता है कि तीरथ सिंह रावत स्वयं पौड़ी से सांसद थे, पिछली बार जब त्रिवेंद्र सिंह रावत को 4 महीने पहले पद से हटाया गया था तो सांसद में से मुख्यमंत्री का चुनाव किया गया। उस समय आलाकमान की मंशा ये थी कि 6 महीने के भीतर चुनाव करा लिया जाएगा और उसके बाद तीरथ सिंह रावत पूरा अपना बचा हुआ कार्यकाल पूरा कर सकेंगे। लेकिन अब जब तीरथ सिंह रावत को हटाया जा रहा है, वे चुनकर दोबारा नहीं आ सकते, उपचुनाव नहीं हो सकता, ऐसी सूरत में अब जो नए मुख्यमंत्री का चुनाव होगा वो विधायकों में से ही होगा और विधायकों में से ही विधायक दल की जब बैठक होगी तो मुख्यमंत्री पद का, विधायक दल के नेता का चुनाव होगा। ये कब होगा इसके बारे में हमारे सूत्रों का कहना है कि जल्द ही इस बारे में पार्टी फैसला लेगी। 2 पर्यवेक्षक दिल्ली से भेजे जाएंगे जो विधायक की बैठक में पर्यवेक्षक के तौर पर रहेंगे और विधायक दल के नए नेता का नाम रखेंगे और उसके बाद उसको औपचारिक रूप से चुन लिया जाएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए विकास भदौरिया आपका। इस सियासी घटनाक्रम पर हमारी नजर आगे भी बनी हुई है। ABP News आपको रखे आगे।